हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के महान गीतकार, संगीतकार, गुलकार, यानी कि यूं कहिए कि हरफन मौला हमारे और आपके बीच हैं जनाब रविंद्र जैन साहब। दादा, रफ़ी साहब को आपने कई फिल्मों में गवाया। सबसे पहला गीत रफ़ी साहब से किस फिल्म में आपने गवाया था? मेरी एक फिल्म बनने वाली थी जिसका टाइटल था ये सिलसिला है प्यार का जी, और जो टाइटल सॉन्ग यही था जो सिलसिला है प्यार का चलता है जी जी जी। 14 जनवरी 1972 की बात कर रहा हूँ, ये पहला दिन था मेरी करियर का और रफ़ी साहब से ही मेरा करियर शुरू हुआ जी। तो मेरे लिए उनका मकाम बहुत अहम है ज़िंदगी में जी। और फिर उसके बाद जितने गाने रफ़ी साहब के साथ मैंने किए हैं उन्होंने हमेशा बहुत प्यार से और बहुत ही एहतराम के साथ मेरा काम किया जी जी। इतने बड़े मौसीकार, इतने बड़े, उन्होंने कभी ये शो नहीं किया कि आप नया मौसीकार मेरे पास आया है और मैं पुराना सिंगर हूँ, कभी भी ऐसा शो नहीं किया जी जी। बहुत अच्छे, जितने अच्छे कलाकार उससे अच्छे इंसान थे। दादा, एक गीत हमने सुना है बहुत मशहूर हुआ आपका, फिल्म कांच और हीरा, नजर आती नहीं मंजिल तड़पने से भी क्या सही, तकदीर में है मेरे दिल अंधेरे ही अंधेरे हैं। ये गीत आपने लिखा भी आपने दादा जी? मेरे गाने। तो इस गीत के बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं, और बहुत सुन के आप ये जिंदगी पर ये गीत काफी असर करता है। ये तकरीबन जिंदगी में लोग हमारे जो जो भी लोग मंजिल की तलाश में हैं और जिन्हें निराशा हासिल होती है वो इस गीत को हमेशा सुनते हैं। लेकिन ये मेरी रफ़ी साहब ने जो गाया है तो चुन में इतनी अगर कोई बात ना भी होता, ऐसे गुरु का जब गा देते हैं जी जी, तो गाना अमर हो जाता है, उनकी आवाज़ से प्लस हो जाता है। तो अंदाजन कितनी फिल्मों में दादा आपने रफ़ी साहब को गाया होगा? लोरी फिल्म की 14 दिन रफ़ी साहब ने रिहर्सल की, 14 दिन जी, 14 दिन में रोज फेडरल रोड पे से यहाँ बैंड स्टैंड आया करता था और एक से बढ़िया चीज़ें खिलाते थे, मुझे याद है अभी भी, सेवैयाँ की जबान पे लगी हुई सेवैयाँ, कभी काजी बड़ा कभी दही बड़ा, और चाय तो ऐसी लाजवाब, मैंने चाय पी नहीं कभी। मोहब्बत थी उनकी, उनकी शफकत थी हमेशा उनके लिए, मेरे दिल में वही एहतराम रहेगा जो मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ कि रसूलों का जो एहतराम लोग करते हैं उस तरह का एहतराम है। वाह भाई वाह वाह। पता एक बात और बताइए कि अगर यदि आपने आज के दौर को भी कई इन कलाकारों को गवाया है तो आज के दौर के में अगर रफ़ी साहब होते तो आज के इन कलाकारों को बीच में रफ़ी साहब किस तरह के महसूस, क्या महसूस करते हैं? रफ़ी साहब तो अपने स्तंभ थे, है ना, एक सतून, एक तो जैसे एक खम गढ़ा होता है ना, उसको कौन हिला सकता है, पहाड़ की तरह अचल अटल। वाह भाई वाह 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 वाह। आसमान की बुलंदी, तो उनकी उनको उन सब बातों से क्या, उनको मैं समझता हूँ उनको अच्छा ही लगता कि अच्छे लोग आते, नए लोग आते, उनके सामने आते, अच्छा काम करते, क्योंकि वो तो खुदा वाले लोग थे, किसी की जलन नहीं या कोई इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं था। आपकी बात से दादा मुझे एक शेर याद आ रहा है, किसी शायर ने कहा है कि वो सुर के आफ्ताब थे उन जैसा कौन है, वो लय के महताब थे उन जैसा कौन है, करने को तो कर ले चाहे कोई भी नकल, अपना जवाब आपसे रखी जैसा कौन है। एक आखिरी बात दादा, अगर आज के दौर में रफ़ी साहब को भारत रत्न से अगर ना नवाजा जाए तो शायद उनके साथ बहुत ऐसा कुछ लगता है? ये हमारे मुल्क में ये सब चीज़ें जो है ना जी जी, सब सब के पीछे कोई ना कोई सियासत है जी जी, तो ओरिजिनल बात तो कोई है नहीं, और रफ़ी साहब को भारत रत्न मिले या ना मिले जी जी, अब पटेल, सरदार पटेल को भारत ना दें, सुभाष बाबू को ना दें, तो उसमें उनको क्या फर्क पड़ना। सही बात है दादा, सही, वो तो है ही ज्वेल है ना। वाह 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 वाह, बड़ी बात है, उनको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है जी जी जी। तो मैं कहता हूँ कि रफ़ी साहब ने नाम अपना मोहम्मद से सजाया है, रफ़ी साहब ने नाम अपना मोहम्मद से सजाया है, मोहम्मद की दुआ से मर्तबा आलम में पाया है, गए जब से विदाई लेके दुनिया से, गए जब से विदाई लेके दुनिया से, वो मुहर्रम नहीं, हमारे जो
बड़े 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 जिसको हम कहते हैं जी जी, जय गए जब से विदाई लेके ये दुनिया से रफी साहब, न वैसा शख्स आया और न वैसा गायक आया, वाह भाई वाह, न वैसा इंसान आया और न वैसा कोई गुलूकार, इंसान भी उतने ही लाजवाब बैठे हैं यहाँ पे। यहाँ कितनी बार अभी जब यहाँ रिहर्सल करके गए, वाह भाई वाह, हमारे भी नसीब आज की जगह हम भी मुबारक कदम पड़े हैं, उनकी आवाज़ गूंजी है, यहाँ की फजाओं में कैद है। बहुत बहुत शुक्रिया दादा, आपने अपना कीमती वक्त में से जो रफी साहब के लिए वक्त निकाला इसके लिए। रफी साहब के लिए तो हर वक्त उनके लिए है, कोई आपको पूछने की जरूरत नहीं बस से कभी भी, आप आधी रात फोन करेंगे आपको वैसा ही आंसर मिलेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दादा, सबको मेरा प्यार के कादर भाई वगैरह जी 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 जी, रफी साहब के जो भी गाने वाले हैं, मद्दा हैं, उनके तारीफ करने वाले, उनके पूजने वाले, उनके समझने वाले जी, वो सब मेरे लिए है। हमसे थोड़ी सी दूर।